तो हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं कुछ लाया हूँ नया, जो शायद ही आपने ट्राई की होगी, और ट्राई की होगी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और ये चीज़ मेरे फर्स्ट टाइम है, मतलब कि ये जो चीज़ मैं ट्राई करने वाला हूँ वो मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और गाइस, जो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो टूल यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये गाइस, कैलीग्राफी पेन। गाइज, मैं अभी अभी इसको मैं मार्केट मतलब शॉप से लाया हूँ। ये है इसकी इंक और ये है कैलीग्राफी पेन। गाइज, मैं अभी अभी इसको शॉप से लाया हूँ, अभी तक मैंने इसको ओपन बिल्कुल नहीं किया है। और गाइज, इस ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ कैलीग्राफी पेन। तो गाइज, क्या एक्सपीरियंस रहता है वो भी मुझे भी देखने को अच्छा मिलेगा, क्या मैं गलतियाँ करता हूँ, क्या अच्छा रहता है वो देखने को मिलेगा। गाइज, अपन इसके रेट की बात करते हैं, तो गाइज ये मुझे पड़ा था रेट में इसके हाँ गाइज, ये 195 का पड़ा था मुझे ये पूरा सेट। और इसमें ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, मैंने भी अभी ठीक से नहीं देखा है। और गाइज, इसको साइड में रख के अपन इंक की बात करते हैं, तो मुझे इंक पड़ी थी कितने की, 80 रुपीज़ की पड़ी, नहीं मुझे ये इंक पड़ी थी 20 रुपीज़ की। गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रुपीज़। और ये गाइज आपको बाय करना हो गाइज, इसका मुझे पता नहीं है, मैंने शॉप से बाई की, वैसे आप शॉप से बाय कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा। और गाइज, चाहो तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। अब गाइज, इसको हम ओपन करते हैं। तो गाइज, अब इसको अपन ओपन करते हैं। तो गाइज, ये कुछ ऐसा पेन दिख रहा है हमें। और गाइज, यहाँ पे मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, ये सारे अलग अलग मतलब नंबर्स के जो इनकी टिप्स हैं, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे इससे थोड़ा मोटा है, यहाँ पे इससे थोड़ा और मोटा है, इसकी जो टिप होती है लिखने वाली ये थोड़ी और मोटे हैं, ये और मोटा है, और ये सबसे ज़्यादा मोटा ये है गाइज, जो आपको शायद दिख ही रहा होगा वीडियो में। और गाइज, अब इसको थोड़ा उसका पेन निकालते हैं कैलीग्राफी का। इस कंपनी का नाम है कार्लो ऐसा कुछ करके इस कंपनी का नाम है। अपन पेन को रखते हैं गाइज यहाँ पे। अब गाइज, जाते हैं इनकी रिफ्यूज़ पे, तो इसकी रिफिल्स को खोलना पड़ेगा गाइस, तो मैं खोलता हूँ। तो गाइस, अभी इसकी यहाँ की टेप तो हट चुकी है, अब इसको निकालते हैं बहुत केयरफुली। और गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो सबसे इसकी पतली टिप है वो गाइस ये है। देखो गाइस, कितनी पतली है ये, और इससे सबसे ज़्यादा मोटी मैं कहूँ, मतलब ये जो टिप है जो सबसे मोटी है वो मैं आपको गाइस दिखाता हूँ। गाइस, आप देख ही सकते हो जो ये सबसे जो मोटी टिप है, ये सबसे मोटी टिप है। और ये देख लो गाइस, सब लाइन वाइज सब ये मोटी पतली है गाइस, देख लो गाइस। अब इसको कैसे यूज़ करना है तो गाइस वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, और हम कैलीग्राफी लिखने का ट्राई ज़रूर करेंगे गाइस। देखो गाइस, कितनी मतलब मोटी है इसकी जो अपन आगे का कह सकते हैं, जो अपन चलाते हैं यहाँ पे। गाइस, इस पेन को रिफिल पहले कर लेते हैं, ये पेन रिफिल किया हुआ नहीं आया था, जो मैं अभी इसकी रिफिल लाया हूँ। गाइस, मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे शॉपकीपर ने ऐसे बताया था कि इसको अपन को ऐसे यूज़ करना है कि यहाँ पे एक अंदर से काफ़ी बड़ा होल है जिसके अंदर ये इंक डालनी है। तो गाइस, अभी वो डालते हैं इसके अंदर इंक, और सारे पेन्स की टिप्स ट्राई करते हैं कि किसमें क्या डिफरेंस है। तो गाइस, फाइनली इसमें रिफिल डल चुकी है, उसमें कलर मैं डाल चुका हूँ। अभी तो ये सबसे फर्स्ट वाला है जो अपन अभी ट्राई करते हैं एक बार। तो गाइस, ये चल तो रहा है, अब इस पे इससे बड़ी वाली नुक पे ट्राई करते हैं गाइस। गाइस देखो, नुक तो दिख रही होगी, सबसे पतली वाली है, अभी इससे मोटी वाली कौन सी। गाइस, ये यूज़ करके देखते हैं, और इससे एक बार कैलीग्राफी लिख के ट्राई करते हैं गाइस।
बताना चाहता हूँ कि गाइस नॉर्मल पतली टिप से अपन बड़े वर्ड पे अच्छे से कैलीग्राफी कर सकते हैं या नहीं। बड़े पेन से मतलब जो मान लो कभी भी आप ऐसे पेन खरीदते लेकिन ज़्यादा बड़े ना खरीद पाओ, तो गाइस सिर्फ इस सिंगल पेन से आप बड़े मतलब आपको बड़ा लिखना है वर्ड तो आप उस पर कैसे कैलीग्राफी कर सकते हो। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, ऐसा बात नहीं है कि मैं कैलीग्राफी करता रहता हूँ। तो गाइस अभी देखते हैं कि मेरे से बन पाती नहीं बन पाती, तो देखते हैं गाइस।